मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने आधार कार्ड को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया है। ईपीएफओ में किसी भी कार्य के लिए अब जन्म तिथि के प्रूफ के तौर पे आधार कार्ड की मान्यता खत्म कर दी गई है। मतलब अब आधार कार्ड का इस्तेमाल जन्म तिथि को अपडेट कराने या उससे किसी भी त्रुटि को ठीक कराने के लिए नहीं किया जा सकेगा। ईपीएफओ ने आधार कार्ड को अपने मान्य दस्तावेजों की सूची से बाहर कर दिया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा इस संबंध में 16 जनवरी को एक सर्कुलर जारी कर दिया गया है और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI की तरफ से आधार कार्ड को लेकर उक्त निर्देश जारी करने के लिए ये कहा गया था।